अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज आपके सामने आई है गुजरात की स्पेशल। जी जनाब, भाई ने जब काम स्टार्ट किया था तो ओनली फॉर दो भेड़ों से स्टार्ट किया था। आज भाई के पास 20 से 22 भेड़ है। देखिए गुजरात नस्ल में कितने खूबसूरत भेड़ के बच्चे पैदा होते हैं। आप इसके कान देखिए, इसका फेस देखिएगा, इसका कितना खूबसूरत बच्चा है जनाब। ये भाई का शानदार बिजनेस चल रहा है, भेड़ों से, दो भेड़ों से शुरुआत की थी, आज 20 से 22 भेड़ों पे आकर रुक गए हैं। आप देखिए कितनी अच्छी भेड़ है, इनमें कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल और रेडी भेड़े हैं। खा चुके हैं ऑलरेडी, बता रहे हैं सालाना टर्नओवर है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। जी बिल्कुल, आप सोच लीजिए 20 भेड़ों पर सालाना टर्नओवर है 3 से 4 लाख रुपए का इन भेड़ों का। बहुत ही तंदुरुस्त और एक्टिव भेड़े हैं। बात करें दूध की तो जनाब एक टाइम में गुजराती नस्ल की भेड़े 1 लीटर दूध देती है। ये प्योर गुजरात की भेड़े हैं। भाई स्टार्टिंग में गुजरात गए थे घूमने तो वहाँ से 2 भेड़े लेके आए थे और आज इनके पास कम से कम 20 से 22 भेड़े अवेलेबल है। भाई बोल रहे हैं इन्होंने कुछ भेड़े बेच भी दी थी, जैसे कोई ज़्यादा पुरानी हो रही है, बुड्ढी हो रही है, या फिर फीमेल है बड़ा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। 2-3 फीमेल हमारे पास हो गए हैं तो भाई ने कहा मैंने 1-2 फीमेल बेच भी दिए थे, मेल या फीमेल बेच भी दिए थे जो हमारे काम के नहीं हों। इनको ऐसे खिलाए पिलाया जाता है, इनके लिए स्पेशल खेली बनाई जाती है ताकि ये चारा वेस्ट ना करे, ख़राब ना करे, और इनको साइड में रखा जाता है। अभी आपके सामने एक छोटा फार्म हाउस कह सकते हैं, इसके पास में उधर है बड़ा वाला जहाँ पर बकरों को रखा जाता है, सिर्फ बकरों को, भेड़ों के लिए ये अलग ही बनाया गया है ताकि बकरे और भेड़े साथ में ना रहे। बकरे क्या करते हैं, भास करते हैं, सूख करते हैं इनके साथ खाने से, बाकी वो वाली बात तो नहीं है। ये तो घर की तंदुरुस्त भेड़े हैं, नाक में पानी वानी कुछ भी नहीं आता इनके, तो ये तो बिल्कुल एक्टिव भेड़े हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी इनको अलग रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको भी ऐसे भेड़े चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मंगा सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये भाई के पास मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दे, आपको भी दिखा दे। गाइस देखिए कितनी अच्छी भेड़ है, बिल्कुल साफ सुथरी भेड़ है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दाग कुछ भी नहीं। इनका फेस देखिए कितना खूबसूरत है, इनमें 3-4 धुम्बे भी ये भाई बता रहे हैं, आप इनको गुजरी धुम्बे कह सकते हैं। अगर आपको गुजरात की भेड़ चाहिए तो आपको कम से कम 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।